तो हेलो गाइस, हीरोइक है। तो गाइस, बड़े दिनों के बाद मैं अपने कासल में ऐसे इधर उधर घूम रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना हमारे थ्रोन पे बैठा जाए। तो मैं थ्रोन की तरफ जब गया, तो गाइस जब मैं अपने थ्रोन के पास गया, तो गाइस मैंने देखा मेरे यहाँ पे पूरा थ्रोन टूटा हुआ है। ये मैंने बोला ये क्या हो गया गाइस। और गाइस जब मैं थोड़ा सा और आगे गया, तो वहाँ पे एक चेस पड़ी हुई थी। और जब मैंने उस चेस को खोला, तो उसके अंदर एक बुक पड़ी हुई थी। तो गाइस मैंने बोला ये बुक तो मैंने रखी नहीं है, और ना मेरे सेटअप पे कोई बैठता है। तो गाइस ऐसा हो नहीं सकता कि ये किसी ने करा हो। और गाइस ये बुक जो है बहुत, क्या नाम है, वैसी है। इसका नाम है किंग जोम्बी। तो गाइस मैंने सोचा फिर इसको पढ़ते हैं हम लोग। तो गाइस जब मैंने इसको खोला, तो इसके अंदर लिखा हुआ था, हाई नूब, आई एम द किंग ऑफ जोम्बीज, यू किल सो मैनी जोम्बीज एंड आई डिसाइडेड टू वॉर विद यू यू नूब, वी आर कमिंग थर्ड डे नाइट डू द प्रिपरेशन यू नूब। तो गाइस इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि मैंने बहुत सारे जोम्बीज मारे हैं इस वर्ल्ड में, तो जोम्बीज के जो किंग हैं वो बोल रहे हैं कि मैं तो जोम्बीज का जो किंग है, सॉरी इतनी इज्जत नहीं देनी, जोम्बी का जो किंग है वो बोल रहा है कि मैं जो है तुम्हारे से वॉर करने आ रहा हूँ तीसरे दिन। ये जो आज का पहला दिन है ना, इसके बाद 3 दिन बाद मैं तुमसे, क्या नाम है, वॉर करने आ रहा हूँ, तो प्रिपरेशन कर लो यू नूब। तो गाइस हमें इसको दिखाना पड़ेगा, या हमें नूब बोल रहा है, हमें इसको मारना पड़ेगा और दिखाना पड़ेगा कि हम जीत सकते हैं। तो अभी हम तो गाइस मैंने सोचा मैं हैक्स बनाने से पहले आपको इस कासल का छोटा सा टूर दे देता हूँ। तो गाइस इसमें देखो, मैंने ऊपर एक फ्लैग बनाया हुआ है, ये मेरे क्रिएटिव वर्ल्ड है सही ना, तो मैंने इसके अंदर एक फ्लैग बनाया हुआ है। और ये देखो, ये फ्लैग जो है हमारे चैनल के लोगों से बहुत ज़्यादा मिलता है। और अब ये देखो, ये जो थ्रोन है ये देखो कितना प्यारा लग रहा है, ये भी मैंने खुद ही बनाया है। और ये वैसे तो एक पूरा कासल ही मैंने क्रिएटिव में खुद ही बनाया है। और गाइस अब जो है मुझे सबसे पहले इस कासल को बचाना पड़ेगा, क्योंकि जोम्बीज ने हमें साफ साफ धमकी दी है कि वो आके जो है ना इस कासल पे अटैक करेंगे और इस कासल को अपना कासल बना लेंगे। तो मैं अपनी मेहनत ज़ाया नहीं जाने देता, इतनी बड़ा कासल जो मैंने बनाया है। तो गाइस अब उनके लिए सबसे पहले मुझे जो है ना पूरा एक वो क्राफ्ट करना पड़ेगा, मतलब पूरे एक जगह बनानी पड़ेगी जहाँ पे हम लोग वार कर सकें उन लोगों के साथ। तो गाइस ये बहुत ज़बरदस्त वॉर हो। तो गाइस पहला है कि एग्जीक्यूट करने के लिए मुझे यहाँ पे चाहिए ग्लो बेरीज, और मैं इनको बड़ा करता हूँ। और गाइस मैं सर्वाइवल में जाके दिखाता हूँ, देखो मैं इसके अंदर जाऊँगा ना तो मुझे भी डैमेज पड़ेगा, और जोम्बीज आएंगे तो उनको भी डैमेज पड़ेगा। तो गाइस अब मुझे इन लोग इसको जो है ना पूरे यहाँ पर लगाना है। देखो मैंने यहाँ पर ऐसे थोड़ी सी लगा दी हैं, और ये देखो ऐसे करके जो ना मैं 4 ब्लॉक तक लगाऊंगा यहाँ पे, और जोम्बीज जो है ना बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाएंगे इससे। तो अभी मैं ये जो है ना पूरा लगा के मिलता हूँ। तो गाइस अब मैं ये पूरी चारों तरफ लगाऊंगा, तो इसमें टाइम भी बहुत लगेगा, तो अब मैं लगाता हूँ यहाँ पे सबसे पहले। तो गाइस फाइनली यहाँ पे मैंने चौथी लेयर तो लगा दी है, देखो ये पूरा 4 लेयर का हो चुका है। और गाइस अब देखो यहाँ पे कोई भी अगर जोम्बी आता है ना तो मेरी तरह देखना उसको कितना गंदा डैमेज पड़ने वाला है, और वो चारों से निकलेगा ये बड़ी देर में देखो। और ये अभी ग्रो हो जाएंगी जब तक हम लोग अपने दूसरे हैक बना रहे हैं, हल्के हल्के करके ग्रो हो जाएंगी। तो गाइस अब हम लोग बढ़ते हैं अपने सेकेंड हैक की तरफ। तो गाइस अब हम लोग अपने, क्या नाम है, दूसरे हैक की तरफ बढ़ते हैं, जिसके लिए मुझे जो है यहाँ पे सबसे पहले TNT लगाना पड़ेगा। तो एक मिनट, सही है, यहाँ पे मैंने TNT लगा दिया, और यहाँ पे देखो मैंने एक प्रेशर प्लेट भी डाल दी है। तो गाइस अब अगर कोई भी यहाँ पे आता है, और कोई भी मतलब ज़ोंबी आता है और वो इसको पार करने की कोशिश करता है, तो वो गाइस यहाँ पे मर जाएगा सही ना। वो क्या नाम है, इस पे पैर रखते ही ये TNT ब्लास्ट हो जाएगा, और क्या नाम है, फट जाएगा सही ना। तो अब मैं इसको ज़्यादा, मतलब मैं इसको रैंडमली लगाने वाला हूँ, अगर मैंने यहाँ पे लगा दिया तो यहाँ पे बहुत खड्डे हो जाएंगे, और ये हमारा ही कासल है तो हमें इसको भरना पड़ेगा, तो बहुत टाइम लग जाएगा इसको। तो बस मैं ऐसे रैंडमली लगाने वाला हूँ सही है ना। तो अभी हम लोग इसको पूरा करके मिलते हैं। तो गाइस फाइनली मैंने यहाँ पे जितना, क्या नाम है, मुझे करना था मैंने कर दिया। तो गाइस ये मैंने जो ना पीछे तक नहीं लगाया है, ग्लो बेरीज भी बस मैंने थोड़ा पीछे तक लगा दी थी, वो मैंने पीछे तक नहीं लगाई क्योंकि जोम्बी हमें बिल्कुल सामने से अटैक करने वाले हैं, पीछे से कोई जोम्बी आएगा नहीं सही है। और यहाँ से देखो यहाँ पे जितने TNT हो सकते थे मैंने यहाँ पे लगा दिए हैं। और गाइस अब हम लोग अपने तीसरे हैक की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइस अब हमारा तीसरा हैक ये है कि हम लोग जो है, आप लोग को मेरे हाथ में सामान देख के पता ही चल गया होगा, तो गाइस अब हम लोग जो है यहाँ पे आयरन गोलम स्पॉन करने वाले हैं। क्योंकि गाइस अगर कोई भी यहाँ पे ऐसे आता है कि मतलब दोनों, ये इन दोनों को पार कर लेता है, जो कि पॉसिबल है क्योंकि इतने ख़तरनाक डैमेज नहीं करेंगे, और अगर कर भी दिया
तो मतलब फिर भी कुछ ज़ॉम्बी आ जाएंगे क्योंकि वो बहुत बड़ी ज़ॉम्बी की वो आने वाली है। तो गाइस यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ कि मैं जो ना कुछ आयरन गोलम्स जो है ना स्पॉन कर दूँ। मैं आप लोग को दिखाता हूँ मैं स्पॉन कैसे करने वाला हूँ। देखो यहाँ पे जो है इनको स्पॉन करके, अरे आ गए, ये देखो गाइस ये आ गया। अब मुझे जो है इसको यहाँ पे लगा के यहाँ पे इसको ऐसे बांध देना है गाइस। अब देखो यहाँ से ये जाएगा नहीं कहीं भी ताकि हमारे कहीं ट्रैप्स में ना फंस जाए खुद ही, और ये जोम्बिस को भी मार देगा, सही ना। तो गाइस ऐसे मुझे बहुत सारे लगाने हैं तो मैं लगा के आता हूँ। तो गाइस मैंने यहाँ पे जितने आयरन गोलम हो सकते थे मैंने यहाँ पे स्पॉन कर दिए, यानी हो सकते थे क्या, मतलब मैंने बस जितने चाहिए थे मुझे मैंने उतने कर दिए। मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे भी बस एक दो कर देते हैं, यहाँ पे दो और कर देते हैं यहाँ पे गाइस। यहाँ पे ये ब्लॉक लगा के जो ना आयरन के ब्लॉक लगा के हम लोग यहाँ पे थोड़े से और आयरन गोलम जो है स्पॉन कर देते हैं। वैसे ज़ॉम्बीज इनसे तो नहीं बच पाएंगे क्योंकि ये लोग बहुत गंदा डैमेज करते हैं हर किसी को। और इसको बांध देते हैं, ये कहाँ जा रहा है, इसको भी हम लोग यहाँ पे बांध देते हैं। तो गाइस ये देखो यहाँ पे हम लोग के पूरे ट्रैप जो 3 ट्रैप एक्टिवेट हो चुके हैं। तो गाइस मैं सोच रहा हूँ उस तरफ भी मैंने कुछ नहीं करा, थोड़ा उस तरफ भी कर देते क्योंकि ये अच्छा ही नहीं लग रहा। तो गाइस हमारा 4th ट्रैप जो है वो थोड़ा सिमिलर होने वाला है 2nd ट्रैप से, जो कि हमारा 2nd ट्रैप था, इससे थोड़ा सिमिलर होने वाला है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ ये क्या नाम है, ये आप लोग देख रहे होंगे मेरे पास पोशन 2 के जो है ना, सॉरी पॉइजन 2 के लिंगरिंग पोशन है, सही ना। तो इसको जो है मैं यहाँ पे फैला के रख देता हूँ, और यहाँ पे ये मुझे एक प्रेशर प्लेट भी चाहिए होगी, सही ना। तो ये देखो यहाँ पे मैंने प्रेशर प्लेट रख दी, और यहाँ पे देखो मैं अभी सर्वाइवल में जाता हूँ। ये देखो यहाँ पे पोशन ऊपर गया और ये मेरे आके सर पे बजेगा, और गाइस देखो मुझे पॉइजन लग गया, सही है ना। ऐसी जो है हमारे जो वो होंगे जोम्बीज उनको भी पॉइजन लग जाएगा और सिर्फ उनकी हाफ हेल्थ रह जाएगी, सही ना। तो गाइस अब हम लोग ये पूरा प्लान एग्जीक्यूट करते हैं। और गाइस अब मैं सोच रहा हूँ इसके अंदर जो है ना थोड़े से इंस्टेंट डैमेज 2 के भी पोशन डाल दूँ, सही है। और अब जो है मैं इसको हटा देता हूँ, और यहाँ पे मैं पूरी लाइन जो है वो बनाता हूँ डिस्पेंसर इससे भर के, सही है। तो अभी हम लोग शुरू करते हैं। तो गाइस फाइनली मुझे कम से कम आधा घंटा लग चुका है ये करने में क्योंकि एक एक में पोशन डालना बहुत मुश्किल था। तो गाइस मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूँ, हर एक में जो है ना पॉइजन का पोशन है, ज़्यादातर में पॉइजन है और इंस्टेंट डैमेज 2 है, सही है ना। यही दो लिंगरिंग के पोशन डाले हैं। तो गाइस अगर कोई भी जोम्बी इस पर कदम रखता है तो उसकी जो है डायरेक्ट मौत होने वाली है, डायरेक्ट मौत नहीं होगी, वो बहुत कम एचपी हो जाएगा तो वो अपने अगले हैक से ही मर जाएगा। तो गाइस अभी हम लोग अपने चौथे हैक की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइस अब अपना चौथा हैक होने वाला है सैंड ट्रैप, सही ना। तो उसके लिए मुझे जो है इतना बड़ा गड्ढा खोदना ही, फ्लैट वर्ल्ड है तो इसमें 3 तक की हाइट है, तो हम लोग इसमें जो है ना 3 तक की हाइट का बहुत बड़ा गड्ढा खोदेंगे, जिसके ऊपर जो है मैं सैंड लगाऊंगा, उसके नीचे मैं साइन बोर्ड लगाऊंगा, और मैं एक साइन बोर्ड तोड़ूंगा तो सारी सैंड नीचे चली जाएगी और जितने भी ज़ॉम्बी होंगे वो सारे नीचे गिर जाएंगे, सही है। तो अब हम इस प्लान को थोड़ा एग्जीक्यूट करते हैं, सही ना। तो इसके लिए मुझे बहुत बड़ा गड्ढा करना पड़ेगा, तो मैं इस गड्ढे को जो ना करके मिलता हूँ। तो गाइस फाइनली मैंने यहाँ पे जो है देखो एक गड्ढा कर दिया है, और अब इसके अंदर देखो मुझे सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे एक सैंड लगानी है, ऐसे देखो यहाँ पे सैंड लगानी है और एक साइन बोर्ड लेना है, सही ना। यहाँ पे इसको रखते हैं और साइन बोर्ड लेते हैं सबसे पहले जो है ना, कोई सा भी साइन बोर्ड ले लेते हैं। और यहाँ पे जो है एक मिनट, ये मैंने गलत लगा दी, पहले यहाँ पे साइन बोर्ड लगेंगे सारे, सही है ना। और यहाँ पे एक सैंड लगेगी, देखो जैसे ही मैं इसको तोड़ूंगा तो ये सैंड नीचे गिर जाएगी, सही है ना। तो ये लोग ऊपर नहीं आ पाएंगे जितने भी ये ना क्या नाम अपने जोम्बीज, वो ऊपर नहीं आ पाएंगे और वो इसमें ही गिर के मर जाएंगे, इस गड्ढे में गिर के मरेंगे नहीं, फंस जाएंगे, सही ना एक तरीके से। तो अभी मैं इसमें जो ना सारे साइन बोर्ड लगाता हूँ, तो मुझे जो ना ऐसे करके जो ना सारे साइन बोर्ड लगाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे मैं जो ना सारे साइन बोर्ड लगा देता हूँ ऐसे करके, सही है। मैं एक को तोड़ूंगा ना, देखो यहाँ पे जो एक से जुड़े हुए ना देखो सारे टूट गए, सही ना। तो अब मुझे यही करना है सारे साइन बोर्ड लगाने, सही है। तो मैं साइन बोर्ड लगा, तो गाइस मैंने ये जितना हो सकता था, मतलब जितना हो सकता था क्या, मैंने पूरा का पूरा कर दिया है, मुझे आधे घंटे से ज़्यादा हो चुका है ये करते हुए। और गाइस अब बस मुझे इसके ऊपर सैंड रखनी है ऐसे करके, देखो ये करके जो ना मुझे सैंड रखनी है, और मतलब मैं आप लोग को दिखाता हूँ मुझे क्या करना होगा। जब भी जोम्बी ज़्यादातर मुझे इसके ऊपर दिखेंगे ना तो मैं क्या करूँगा, ये तोड़ दूंगा, सही है। तो सारे जोम्बीज जो है ना सैंड नीचे गिरेगी और वो सैंड के साथ नीचे गिर जाएंगे, और फिर मैं आप लोग को एक वो बताता हूँ कि मैं जो ना फिर उसके बाद इंस्टेंट डैमेज के पोशन जो है ना उनके ऊपर मारूंगा,
और दो पोशन में जो है ना अच्छे खासे जॉम्बीज मर जाएंगे। दो पोशन नहीं, मैं अच्छे खासे पोशन ले लूँगा, सही है। तो इसको पूरा फिल करते हैं पहले, तो ये करना तो बहुत आसान काम होगा, ये करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि इसमें जो है ना बार बार जो लिखने का ऑप्शन आता है ना वो बहुत मुश्किल था। तो गाइस मैं ये करके मिलता हूँ आप लोगों को। तो गाइस फाइनली मैंने यहाँ पे पूरी सैंड फिल कर दी है, और गाइस अगर इस पे मतलब मुझे जब भी ज़्यादा जॉम्बी दिखेंगे ना, तो मैं बस यहाँ पे आऊँगा अपनी एक्स लेके और बस इस पे एक दफ़ा हाथ मारूंगा, ये पूरी सैंड नीचे चली आएगी। और फिर मैं क्या करूँगा, इंस्टेंट डैमेज 2 के पोशन होते हैं ना, देखो इंस्टेंट डैमेज 2 के पोशन, ये देखो ये जो है ना उनके ऊपर मारूंगा मैं, सही है। वो आया नहीं, ये रहा यहाँ पे, ये अबे वापसी नहीं आया। तो गाइस फिर मैं जो है ना उन लोगों के ऊपर ही इंस्टेंट डैमेज 2 के पोशन मारूंगा, और बस गाइस हमारा एक लास्ट ट्रैप रहता है, जो कि हमारा कौन सा ट्रैप होगा, क्या नाम है हमारा, वो होगा 6th ट्रैप, जो कि गाइस मैं यहाँ बीच में बनाने वाला हूँ, वो मैं वहाँ पे नहीं बनाने वाला, क्योंकि वो लोग फिर अंदर जो है ना जल्द से जल्द आ जाएंगे, क्योंकि बहुत पास आ गए हम कासल के अपने, तो हमें यहीं पर ही बनाना पड़ेगा। तो गाइस मैं पूरा यहाँ पर बना के मिलता हूँ। तो गाइस अब अगला ट्रैप की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, तो अगले ट्रैप के लिए गाइस अब मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, हम और पीछे नहीं जा रहे, सही है। अब देखो ये बेड रॉक आ गया ना, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे जो है ना एक ट्रैप डोर लगाएंगे ऐसे करके, और कोई भी जॉम्बी आएगा उसको लगेगा ये ब्लॉक है और नीचे जाके गिर जाएगा, और यहाँ पर लावा डाल देंगे, सही है, ऐसे करके। तो ये इससे जो है ना बहुत जल्दी जल्दी लोग मरेंगे ऐसे करके, सही ना, ये लोग गिर जाएंगे। तो गाइस ये मैं पूरा वहाँ तक एक लाइन बना के मिलता हूँ, सही है। तो गाइस फाइनली मैंने जो है यहाँ पे ये पूरा ट्रैप बना दिया है, और मैंने ये बीच में थोड़ी सी जगह छोड़ दी है, ताकि हम लोग जो है ना हम लोग आ जा पाएँ, क्योंकि हम लोग को जाना भी है यहाँ से, और मैंने एक और वजह से, ताकि हमारे अगले ट्रैप का भी तो शिकार हो जॉम्बी थोड़ा बहुत, और अगर क्योंकि यहाँ पे सारे गिर जाएंगे तो कोई मज़ा नहीं आएगा यहाँ पे, सही ना। तो ये 5 ब्लॉक की जगह मैंने अपने लिए भी छोड़ी है, और जॉम्बीज भी आ जाएँ कुछ तो कोई मसला नहीं है, और ये उन लोग को देख लेंगे। और गाइस हमारे 6 ट्रैप पूरे हुए, देखो सबसे पहला ट्रैप हमारा स्वीट बेरीज, और दूसरा ट्रैप TNT, जो कि मतलब इतना ज़्यादा इफेक्टिव होगा, बहुत इफेक्टिव होगा लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होगा, सही है। तीसरा ट्रैप जो कि हमारा है लावा वाला, और चौथा ट्रैप जो कि हमारा है गोलम्स, और पांचवा ट्रैप जो कि पोशंस ऑफ हार्मिंग और पॉइजन के पोशन, और छठा ट्रैप जो कि है सैंड वाला ट्रैप। और गाइस अगर यहाँ से भी कोई आगे आ जाता है, तो गाइस उसके लिए एक ट्रैप और बनाना पड़ेगा, बनाना नहीं पड़ेगा, वो खुद ब खुद बन जाएगा, क्योंकि उसके लिए एक ट्रैप जो बनेगा वो हम खुद ही होंगे, जो कि हम लोग उनको पीस के रख देंगे बिल्कुल। तो उन लोगों ने हमें 3 दिन का टाइम दिया था, तो गाइस ये हमारा दूसरा दिन है, और ये दूसरे दिन की शाम हो रही है, तो अब जब रात होगी तो वो लोग स्पॉन होना शुरू हो जाएंगे, तो जब वो लोग स्पॉन होना शुरू होते हैं तो मैं जब ही मिलता हूँ। तो गाइस अभी क्या नाम है, फाइनली मैंने जो है यहाँ पे जॉम्बीज आते हुए देख लिए हैं, और मॉब्स भी आना यहाँ पे शुरू हो गए हैं बहुत सारे, वो देखो गाइस कितने सारे जॉम्बीज हैं, वो अभी तक यहाँ पे नहीं आ रहे, पहले इन लोगों को मारना पड़ेगा मुझे। और गाइस कितना लैग हो रहा है यहाँ पे, स्पाइडर्स भी इनके ऊपर चढ़ गई ना, तो एक मिनट पहले इनको मार देते हैं हम लोग। और गाइस कितने जॉम्बी हैं यहाँ पे, मैंने थोड़ा सा फूड भी निकाल लिया था अपने लिए, और क्या नाम है इतने जॉम्बीज हैं गाइस, बहुत ज़्यादा लैग कर रहा है मेरा गेम गाइस यहाँ पे, ये लोग अंदर भी नहीं आ पा रहे, इतना लैग हो रहा है। पहले तो जो है ना इन लोग को यहीं से जो है जितना हो सकता है मैं मारता हूँ, और एक मिनट गाइस बहुत ज़्यादा लैग हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे जॉम्बीज आ गए एक साथ, और ये लोग डैमेज ले रहे हैं गाइस हल्के हल्के करके, और ये अभी तो पहला हमारा ट्रैप है जिसमें ये लोग इतना ज़्यादा डैमेज ले रहे हैं, और गाइस वहाँ पे भी बहुत सारे जॉम्बीज हैं, पहले हम इन लोगों को ही मारते थे ना। और गाइस कुछ जॉम्बीज तो यहाँ पे बाहर भी आ चुके हैं, और इन लोग के शॉट्स भी नहीं लग रहे मेरे को, तो अभी हम लोग जो है ना यहाँ पे खड़े होते हैं थोड़ा पीछे गोलम्स के पास, ताकि, और गाइस ये मैंने गलती से, मैं ही चढ़ गया था इसके ऊपर, तो ये चल गया गलती से, तो ये लोग गाइस उस और गाइस उसने TNT पे चढ़ गया गाइस वो, अब देखो गाइस क्या होता है उसके बाद, अब वो देखो कितनी बुरी तरीके से मरेंगे लोग सारे, ये फटा, ये देखो गाइस मर रहे हैं लोग हमारे जो ना TNT वाले ट्रैप से भी ये लोग मर रहे हैं, और इससे भी मर रहे हैं। तो गाइस अभी हम लोग इनको और आगे आने देते हैं, ओए गाइस कितना ज़्यादा इन लोगों ने ब्लास्ट कर दिया यहाँ पे एक साथ, और अब इन लोग को सबसे पहले हम लोग मारते हैं, ये भी मर गया गाइस, ये भी गिर गया गाइस, बहुत ज़्यादा लैग हो रहा है क्योंकि कुछ ज़्यादा ही ज़ॉम्बी आ गए, और इसको इसको भी यहीं से मार देते हैं हम लोग। और यहाँ तक तो अभी तो पहले तो ज़ॉम्बी पहुँचे ही नहीं है, ज़ॉम्बी बहुत सारे यहीं फंसे हुए हैं गाइस,
तो इन लोगों को आगे आने का थोड़ा टाइम देते हैं हम लोग, जो ना ये थोड़े से तोड़ देते हैं ताकि लोग थोड़ा आगे भी आ जाएं। इन लोग को यहाँ से ना लैग बहुत हो रहे हैं लोग। हम लोग थोड़ा आगे भागते हैं, साइड में भागते हैं हम लोग, और यहाँ पे जो ना खड़े हो जाते हैं इन आयरन गोलम्स के पास, क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा लैग हो रहे हैं। और गाइस इसमें तो छोटे जॉम्बीज भी हैं, इनको भी मारना पड़ेगा। पहले मैं यहाँ खड़ा हो जाता हूँ ताकि ये लोग जो है नीचे गिर जाएँ। वो भी नीचे गिर गया गाइस। अभी इन लोग को और आने देते हैं हम लोग यहाँ पे। ये भी आ रहे हैं गाइस, ये भी नीचे गिर रहे हैं हल्के हल्के करके। और गाइस सारे, और उसने TNT का ट्रैप एक्टिवेट कर दिया गाइस। ज़्यादातर गाइस यहाँ पे पहुँच नहीं पा रहे हैं। और ये लोग देखो कितने ज़्यादा हुए हैं गाइस, वो देखो वहाँ पे भी इतने सारे अंदर आ चुके हैं। और अभी मुझे थोड़ा सा जो है ना पीछे भागना पड़ेगा। और एक मिनट, मैंने यहाँ पे ये भी एक्टिवेट कर दिया है, तो इन लोगों को जो है पॉइजन और हार्मिंग का इफेक्ट लगेगा यहाँ पे। और गाइस इन लोगों को मुझे खुद ही मारना पड़ेगा, कहीं ये लोग कासल में ना जाएँ गाइस। बस ये लोग कासल में गए तो यानी कासल इनका है। इन लोगों ने खुद ही हमें जो ना एक नोट भेजा था जिसमें अगर ये लोग कासल में इन लोगों ने कदम भी रख लिया तो ये लोग का कासल हो जाएगा वो। तो गाइस मैंने इनको मार दिया और मैं फूड भी खा लेता हूँ। तो गाइस देखो कितना ज़्यादा लैग हो रहा है। और अभी हम लोग जो है थोड़ा सा आयरन गोलम के पास चलते हैं ताकि वो लोग हमारे पीछे आएँ। और वो लोग देखो गाइस, वो लोग उसके अंदर ही हैं। वो देखो ये लोग यहाँ से भी आगे नहीं आ पा रहे क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा खड्डे हो चुके हैं। और गाइस तकरीबन हम लोग क्या ली वॉर जीत चुके हैं। और इनको मैं मार